हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब मज़े में होंगे, आपकी ज़िंदगी मस्त चल रही होगी और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है और आप सब बहुत बिज़ी होंगे, आप सब अपनी तैयारी कर रहे होंगे। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की और अब बोर्ड एग्ज़ाम आ गया है, जिसके कारण वो टेंशन में है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों को बताऊंगा कि आप 13 महीने या 1 महीने में कैसे आप एक अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, और फिर डिस्कस करूंगा उन बच्चों को बारे में जो जिन्हें लगता है कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी है तो वो और क्या कर सकते हैं, और आखिरी में बताऊंगा कि टॉपर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। मैं कुछ ऐसे गोल्डन टिप्स दूंगा जो आपको एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में शायद टॉपर बना दे, या कम से कम आप अपने स्कूल या अपने शहर में एक टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले उन बच्चों के बारे में जिन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की। तो सबसे पहले चीज़, आप अपने दिमाग से निकाल दो कि अब तैयारी नहीं हो सकती है। आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही आसान एग्ज़ाम है, लोगों ने इसे हवा बना दिया है, बट ये बहुत ही आसान एग्ज़ाम है। 1 महीना में बहुत अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है। तो इसके लिए कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा, मैं कुछ तरीका बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहला जो टिप्स है कि आप घबराओ मत, डरो मत, और जितना समय बचा है ये मान के चलो कि अब इस समय को अगर तुमने सही से उपयोग किया तो तुम अच्छे मार्क्स ले आओगे। सबसे पहले तो आप नॉर्मल स्टडी करना छोड़िए, अब आपको स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। स्मार्ट स्टडी क्या होता है? स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपको पूरी बुक को नहीं पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन नहीं रटना है। हाँ, टॉपिक को समझना ज़रूर है, तो टॉपिक को समझने के लिए कोई भी अपने टीचर्स की आप हेल्प ले सकते हो, आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो और उस टॉपिक को समझो। उस टॉपिक को जहाँ तक समझ में आता है उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड हर साल जो क्वेश्चंस आते हैं या इस टॉपिक से रिलेटेड जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उनको आप टिक मार लो। अगर आप टिक नहीं मारना चाहते हो, इतना भी नहीं करना चाहते हो, तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत कम समय में कर देता है, जैसे कि एग्ज़ाम आइडिया, ऑल इन वन, ये सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसमें टॉपिक वाइज चीज़ों को समझाया जाता है, बहुत ही कम पेजेस में टॉपिक को समझाने की कोशिश की रहती है, और उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आता है ये बताया जाता है, और क्वेश्चनों का एक ग्रुप होता है, लाइक एक नंबर क्वेश्चन इस टॉपिक से कौन कौन से हो सकते हैं वो आपको दे दिया जाता है, 4 नंबर के क्वेश्चंस कौन कौन आ सकते हैं वो आपको दे दिया जाता है, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ही आसान हो जाता है। तो आपको करना क्या है, ऐसी कोई एक बुक लाना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप ऑनलाइन हेल्प लीजिए, अपने टीचर्स का हेल्प लीजिए, और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसको आप बार बार कीजिए, बार बार याद आपको हो जाएगा। मैं जानता हूँ आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, वो समझ भी जाएंगे, याद भी कर लेंगे, बट अगर आपने उसे लिख कर याद नहीं किया, ये गोल्डन टिप्स है बच्चों, अगर आपने उसे लिख करके याद नहीं किया या लिख करके उसको तैयारी नहीं की तो अच्छे रिजल्ट आना मुश्किल हो जाएगा। जब आपकी इतनी तैयारी हो जाती है तो फिर आप कुछ सैंपल पेपर लीजिए, पिछले 2 सालों का सैंपल पेपर, और उस पेपर को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस और कितने नंबर का क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन पेपर को भी कैसे करना है इसको भी मैं बताऊंगा, अभी तो सिर्फ आपको प्रिपरेशन के बारे में बता रहा हूं, और ये सारी तैयारी जो मैंने बताया वो 1 महीने में किया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो जिनकी तैयारी अच्छी है, जिन्हें लगता है वो बहुत अच्छे मार्क्स ले आएंगे बोर्ड में। और मुझे पता है कि बच्चों जिसने तैयारी की है और जिसने मेहनत किया है उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। पर एज ए टीचर मैं बहुत सालों से इस फील्ड में हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा जो मार्क्स तो आपको अच्छा दिलवाएगा ही दिलवाएगा, शायद वो आपको इस आपके स्कूल का टॉपर बना दे, आपके शहर का टॉपर बना दे। तो वो बहुत ही ज़रूरी है, वो बहुत ही एसेंशियल है। और ये अगर आपने नहीं किया तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है उस लेवल तक मार्क्स नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको एक प्रोसेस है टॉपर बनने का, उस टॉप प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जा कर के आप टॉपर बनेंगे। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा मार्क्स लाता है, बहुत जल्दी चीज़ों को समझता है, बट वो अपने क्लास में टॉपर नहीं बन पाता है। इसका क्या कारण है? तो मैं ये बताऊंगा कि बोर्ड में टॉपर बनने के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो कि हर स्टूडेंट को करना ही चाहिए। तो तैयार हो जाइए इस चीज़ को समझने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको लगता है कि आपको आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई है, तो सबसे पहले आप एक सैम्पल पेपर लीजिए और उस सैम्पल पेपर को 3 आवर में ख़त्म कीजिए और देखिए आपके कितने मार्क्स आए। अगर आप पहली बार जब टेस्ट देंगे, फुल लेंथ टेस्ट जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में होता है, ऐसे कई सैम्पल पेपर मार्केट में अवेलेबल है, तो देखिएगा जहां आपको 80-90 का एक्सपेक्टेशन किया था वहां आपको 60-70 मार्क्स आएगा। ऐसा क्यों होता है? इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि आप एग्ज़ाम फोबिया से गुजरते हो, आप पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक एग्ज़ाम का डर होता है, जो उस डर से हमें निकलना पड़ेगा। दूसरा, हर टॉपिक से क्वेश्चन होता है, पूरे बुक से क्वेश्चन होता है। हो सकता है कुछ टॉपिक हमारा बहुत अच्छा हो, बट कुछ ऐसे टॉपिक ज़रूर होता है जिसमें हम वीक होते हैं या हम उसे ध्यान नहीं देते हैं। और तीसरा, टाइम मैनेजमेंट। आपको लगता है आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप सारे सवाल कर दोगे, पर देखना पहले पेपर में महसूस होगा कि या तो कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे या आपको टाइम की कमी हो जाएगी। तो फर्स्ट टेस्ट पेपर में आपको अपनी कई सारी गलतियां मिलेगी। पहला, कि आप किस टॉपिक के क्वेश्चन को नहीं कर पाए। दूसरा, आप कितने देर में क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। 3 आवर के टाइम में आप कितने समय लगा आपको क्वेश्चन पूरा करने में, या फिर आप क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाए तो कहाँ आपने ज़्यादा टाइम लगाया। तो यहाँ आपको अपनी कमी समझ में आएगी और आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। और तीसरा, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपका जो एग्ज़ाम का जो डर होगा वो धीरे 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 कम हो जाएगा। एक पेपर देने के बाद आप कुछ दिनों के बाद, 1 या 2 दिनों के बाद फिर से आपको पेपर देना है, एक सैम्पल पेपर। लेकिन इस बार जो आपने गलतियाँ की उस गलतियों को दोहराना नहीं है। जैसे जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ उसे दोबारा पढ़ें, उसे दोबारा समझें और प्रैक्टिस करें। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम कहाँ ख़राब किया आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ फंसे। मैं बताता हूँ टाइम कहाँ ख़राब होता है। कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट अटैम्प्ट में, बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं बनता है तो एक अटैम्प्ट और कीजिए, सेकेंड अटैम्प्ट, फिर भी नहीं बनता है तो क्वेश्चन को वहीं ड्रॉप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। कुछ बच्चों को लगता है कि ये हो जाएगा और इसमें काफ़ी समय चला जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा, ये गोल्डन टिप्स है कि आपको जब लगेगा कि ये क्वेश्चन एक अटैम्प्ट में नहीं हुआ, 2 अटैम्प्ट में नहीं हुआ, तो उसे छोड़ दीजिए। दूसरा, सबसे पहले कोशिश कीजिए कि 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें, वो बहुत ट्रिकी होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी होते हैं, क्योंकि बोर्ड CBSE ने इसलिए तो इस बार ऑब्जेक्टिव का पैटर्न लाया है कि आप रट करके नंबर टॉपर नहीं बन सकते हैं।
तो ये एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं, तो अगर एक नंबर के क्वेश्चन में बनने में टाइम लग रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये बहुत ही नॉर्मल है, उस पर समय ख़राब ना करें और तुरंत उसको ड्रॉप कर दें उस वक्त। और इस तरह से जो मेरे और भी कुछ टिप्स है जो मैं आगे दूंगा, इस तरह से आपका कई क्वेश्चंस में समय ख़राब होने से बच जाएगा। और आपको क्या कोशिश करना है, आपको कोशिश करना है कि 2.5 घंटे में 2 आवर 30 मिनट में पेपर को कंप्लीट कर ले, क्योंकि अगर आप 2.5 घंटे में पेपर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपका तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट काम होगा उसका रिवीजन। तो इस तरह आप सेकेंड सैम्पल देंगे और इन कमियों को दूर करेंगे, फिर थर्ड देंगे, और जब भी देखेंगे तो हर बार आप ग्रेजुअली आपका स्कोर इम्प्रूव करता जाएगा, 60, 60 से 65, 70, 75, 80, और एक ऐसा समय आएगा जब आप 95 to 90, 100 पहुँच जाएंगे, और वो तब होगा जब लगभग आप 10 से 20 सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके होंगे, तब जाके आप किसी स्कूल के, किसी शहर के या देश के टॉपर बन सकते हो। ये इस प्रोसेस से आपको गुजरना ही पड़ेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, आपको हर टॉपिक पे स्ट्रांग होना पड़ेगा, और हाँ, राइटिंग स्किल्ड, कैसे लिखते हैं, अच्छी हैंडराइटिंग, ये सब भी मायने रखता है। सिर्फ आपको लगता है कि मैं सब कर लूँगा तो आप 60 to 70 या 70 to 75% मार्क्स ला पाएंगे, बट अगर आप जब इस प्रोसेस को पूरा करेंगे जो मैंने बताया आपको, तो वादा करता हूँ अबव 90 आएगा, और अगर आपने और अच्छा कर दिया तो हो सकता है आप अपने स्कूल के, आप अपने ज़िला के, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉपर बन सकते हो। तो और कुछ जानना चाहते हो बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में, इससे लेके कोई सवाल है, एग्ज़ाम से डर लगता है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मुझे आप, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी समस्या को सॉल्व ज़रूर करूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, और याद रखना तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे बहुत खुशी होगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली के मेंबर बनेंगे। मैं और भी कई इम्पॉर्टेंट टिप्स देता रहूँगा, और मैथ्स और साइंस से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।